दोस्तों एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो वो बेसिकली होने वाली है हिस्ट्री और इसके सारे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं या कंप्यूटर किस तरह से हम इंसानों से तेज है और कंप्यूटर सिस्टम के साथ साथ हम कुछ और नई चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आगे चलते हैं। पहली चीज़ जो होती है दोस्तों हमारे साथ क्या आती है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बट इस कंप्यूटर, ठीक है, तो आपको बता दूं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर भी अन्य मशीनों की तरह भी एक मशीन है, बस उसके अंदर एक स्पेसिफिकेशन क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और थोड़ा उसमें स्पेसिफिकेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं डिफिनीशन की बात की जाए तो पहली चीज़ है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। द कंप्यूटर डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स कंप्यूट, यानी कि कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है गणना करना, ठीक है। एक लैटिन वर्ड था कंप्यूट, उससे लिया गया है कंप्यूटर शब्द। और हाँ, एक चीज़, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है। अब थोड़ा चलते हैं, आगे चलते हैं, कहानी थोड़ा और बढ़ाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम है उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उन चीज़ों के बारे में हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट लक्षण जो होते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर की। भाई पहली चीज़ क्या आती है, स्पीड, स्टोरेज, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, पर्सनलिटी, डिलीजेंसी, सिक्रेसी, प्लग एंड प्ले। तो ये सब जो दिख रहे हैं इनमें एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ क्या है हमारे पास, भैया स्पीड। पहली चीज़ क्या है हमारे पास, स्पीड है ये भैया, स्पीड। स्पीड को डिस्कस करने के लिए हम आपको बताते हैं पहली चीज़ जो है हमारे पास क्या आती है, स्पीड आती है। भाई कंप्यूटर का जो सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है वो होती है स्पीड, क्योंकि किसी भी कैलकुलेशन को करने में कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है। और जो कंप्यूटर का जो मेन मोटो था, वो जो मेन उद्देश्य था कंप्यूटर को विकसित करने का, जो मुख्य उद्देश्य था वो उसकी कैलकुलेशन यानी गणना करने की गति को ही लेकर था, ठीक है। तो कंप्यूटर यानी कि वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकंड में यानी कि 10^-9 सेकंड में किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को, ठीक है, अंजाम दे सकता है, चाहे वो मैथमेटिकल हो चाहे वो लॉजिकल ऑपरेशन हो, अंजाम दे सकता है। उसके बाद दूसरा क्या है, स्टोरेज। भाई स्टोरेज को हिंदी में कहते हैं भंडारण। स्टोरेज क्या कहते हैं हिंदी में, भंडारण। भाई भंडारण क्या है, अगर भंडारण की बात की जाए, जिस तरह से हम अपने दिमागों में किसी चीज़ों को याद कर लेते हैं, ठीक है, तो कहते हैं हमें याद है कि तुमने मुझे 100 रुपए दिए थे, तो वैसे ही कंप्यूटर को भी याद रहता है। कंप्यूटर में भी किसी चीज़ को क्या कहते जाता है, स्टोर किया जा सकता है और कंप्यूटर को भी हमारे याद हो जाता है, हाँ भैया तुमने इस टाइम पे ये कांड किया था, तुमने ये वीडियो या ये ऑडियो फाइल यहाँ पे इस फाइल में डाउनलोड की थी, ठीक है, स्टोर किया था, तो वह होती है स्टोरेज, ठीक है। तो कंप्यूटर में एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, ठीक है, ऐसे हम डेटा क्या कर सकते हैं कि विदाउट इंटरनेट के स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जैसे क्लाउड कंप्यूटरिंग है, गूगल का जो ड्राइव है उसमें भी हो सकता है, अमेजोन का है, अमेजोन वेब सर्विसेज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्यूर है, तो ये अलग अलग हैं, तो ये स्टोरेज को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी नंबर पे आती है एक्यूरेसी। भाई भाई देखो, हम इंसान हैं, कितना भी बढ़िया से मेहनत से काम कर लें उसमें कुछ ना कुछ गलती रह ही जाती है। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि इससे चाहे जितना काम करवा लो ये हमेशा एकदम एक्यूरेट काम करेगा, यानी कि शुद्धता। कंप्यूटर में शुद्धता जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। कंप्यूटर की जो गलती करने की दर होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, और एकदम मतलब कि जो सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो डेटा के कारण होती हैं, ठीक है, अपनी तरफ से कंप्यूटर कोई गलती नहीं करेगा, जैसा हम उसको डेटा देते हैं वैसा ही वो करेगा। दूसरा होता है ऑटोमेशन। भाई ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है कि सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर देता है, ठीक है। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है, तो ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वतः ही सारे काम करता है, जिसमें जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हाईवे वाईवे पे या जहाँ पे चौराहे पे कैमरे लगा दिए गए हैं, हम लोग अपनी बाइक वाइक लेके जाते हैं तो उसको सुरक्षित फटाक से फोटो खींच लेता है और फोटो खींच के चालान काट देता है, ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं ऑटोमेशन। कंप्यूटर के थ्रू क्या हो, ऑटोमेशन आ गया, वहाँ पर कोई ह्यूमन को रहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि फ्लाइट होगी, जो बड़ी बड़ी फ्लाइट्स होती हैं उनको जो ड्राइवर को सोना था, ऑटो मोड में, ऑटो फ्लाइंग मोड, यानी लंबी टूर पे जब जाते हैं वो, जैसे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो वहाँ पे 4-5 घंटे का टाइम रहेगा, तो उसको जाने के लिए ऑटोमेटिक मोड में डाल के लोग सो जाते हैं, तो कंप्यूटर उसको चलाता है, कितने डिग्री नॉर्थ पे, कितने डिग्री ईस्ट पे, कितने ऊपर, कितना नीचे, बादल कहाँ है, इन सबको बचा के ऐसे ही वो चलाता है, ठीक है। अच्छा,
इसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है ऑटोमेशन में, सारा प्रोग्राम पहले से ही हम उसमें फिक्स कर देते हैं, उसी के थ्रू काम करता है। दूसरी चीज़ है वर्सेटिलिटी, ठीक है, वर्सेटिलिटी, ठीक है। तो वर्सेटिलिटी क्या होती है भाई? सार्वभौमिकता, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिकता। क्या बोलते हैं हिंदी में? सार्वभौमिकता। अच्छा भाई एक चीज़ बता दें, मानव की तुलना में कंप्यूटर कहीं ज़्यादा वर्सेटिलिटी होते हैं। सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि कई सारे कार्यों को एक साथ करना, ठीक है। अच्छा तो हम अगर खाना खाते रहेंगे तो क्या लैट्रिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर पानी पीते रहेंगे तो टॉयलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर भाई कर सकता है, एक तरफ से डेटा लेता भी रहेगा, एक तरफ से डेटा भेजता भी रहेगा, म्यूजिक भी प्लेयर चलता रहेगा, इंटरनेट भी चलता रहेगा, हम कोडिंग भी कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं वर्सेटिलिटी, ठीक है। तो जैसे अभी एक इंसान है वो कई साथ, अभी बताओ आप एक हाथ से फ़ोन पे बात कर सकते हो, ठीक है, एक हाथ से बाइक चला रहे हो, आपका एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा है ना। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं भैया, कंप्यूटर क्या है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीटास्किंग है भैया, हम कई सारे काम एक साथ करेंगे। इसी चीज़ को बोलते हैं वर्सेटिलिटी। तो हमें लगता है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद भैया आता है डिलीजेंस, सक्षमता, डिलीजेंस। भैया कंप्यूटर बहुत ज़्यादा सक्षम है, सारे कांड को ऑपरेशन करने में सक्षम है। अभी देखो हाल में इसराइल और फिलिस्तीन वाला विवाद चल रहा है, इसराइल और फिलिस्तीन वाले विवाद में देख रहे हो कि हमास के जो आतंकी हैं, फिलिस्तीन के जो हमास वाले आतंकवादी ग्रुप हैं, वो इसराइल पे 1700 बम फेंक दिए। अब साले ससुरे 1700 बम फेंक दिए, अब उस 1700 बम को कंप्यूटर के थ्रू एक ऐसी मिसाइल टेक्निक बैठाए हैं वो लोग, तो वो उसको ही हवा में जाकर तोड़ देते हैं। अच्छा कई की लोग सोचते हैं ना कि जो मिसाइल होती है तो वो लोग मार कर लेते हैं। सपोज करो ये मिसाइल है, ये लेज़र गाइडेड मिसाइल ऐसे आ रही है, आ रही है, आ रही है, और ये वाली जो हमास वाली मिसाइल है ये इसको जाकर इसी को धर के फोड़ देगी। ऐसा नहीं करती, जब मिसाइल ऐसे जा रही होती है ना तो इसके बाद ये आती है, इसकी जाने की गर्मी पा के जब इसको गर्मी मिलती है तो ये मिसाइल वहीं ब्लास्ट कर जाएगी। ये जब ब्लास्ट करेगी तो ये भी ब्लास्ट हो जाएगी, वही हवा में मार के वो नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो अच्छा अब चलते हैं दूसरी, सीक्रेसी। भैया देखो आज के टाइम पे ना कोई भी छोटा सा मतलब कोई भी मतलब एकदम नॉर्मल रिपोर्ट रहेगा ना उसमें भी लोग अपना पासवर्ड जरूर लगाएंगे, पैटर्न जरूर लगाएंगे। अच्छा मजे की बात ये है कि अगर किसी का फ़ोन कोई मांगता है देखता है उसमें क्या करता है कि सबसे पहले उसकी गैलरी खोलेगा, फिर व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट खोलेगा, पूछेगा कितनी गर्लफ्रेंड है इसके पास। तो भाई ये एकदम आम चीज़ है कि मतलब भैया वो देखेगा ही देखेगा तुम्हारा। तो इसी चीज़ से कंप्यूटर क्या होता है, हमारे डेटा को बचाता है। कोई कांड हम कर लिए हैं उसको ये कंप्यूटर क्या करता है, छिपा लेता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में सिक्रेसी का पासवर्ड यूज़ कर देते हैं भैया, तो किसी कहीं ना कहीं हमारा जो डेटा है वो बचा रहेगा। अच्छा सोचो हम किसी को एक चिट्ठी लिख के भेजें, ठीक है, अब डाकिया क्या करेगा, उस चिट्ठी को खोल के पढ़ भी सकता है, हालांकि ये उसके मैटर पर डिपेंड करके ऐसा नहीं करेगा लेकिन कर सकता है, ठीक है। और अमूमन अगर डाकिया जिसको दिया वो भी खोल के पढ़ सकता है, ठीक है, तो लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हम उसमें क्या लिख के उसको भेजे हैं। दूसरी चीज़ कंप्यूटर के थ्रू अगर किसी को मैसेज भेजेंगे या कुछ भी टेक्स्ट भेज दिए ठीक है, वो पढ़ पाएगा, कभी नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। चौथी चीज़ आती है प्लग एंड प्ले, ठीक है भैया। कंप्यूटर में हम बहुत सारे गेम वगैरह खेलते हैं, आई होप मुझे प्लग और प्ले को समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले भैया आया था ये आपको जो दिख रहा है ये है एबकस, ये है 16वीं शताब्दी में। वैसे तो कहीं कहीं बुक में लिखा गया है कि आज से 4000 साल पहले, हम बता रहे हैं आज से 16वीं शताब्दी में एबकस का निर्माण हुआ था, ठीक है। और कौन किया था, उनका नाम था लाइकाई चेन, जो कि कहाँ के थे, चाइना के थे। कहाँ के थे, इस चाइना पहली बार कोई बढ़िया काम किया है, कोरोना वाले चचा ने अगर कोई काम किया है तो पहली बार ये एक बढ़िया काम किए हैं, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं लाइकाई चेन, ये आपको डेटा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, आप गूगल पे भी ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल से ये मिलेगा। ये डेटा हमारे पास पहले से पड़ा था, लाइकाई चेन काफ़ी ज़्यादा रिसर्च मतलब इस पर किया गया था, तो पता चला हाँ लाइकाई चेन जो चाइना के थे उन्होंने कहा था, ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस था जो कि कैलकुलेट करने के लिए होता था। इसमें हॉरिजॉन्टल रॉड्स लगी होती थी और उन रॉड्स के बीच में उनको वंस टेंस हंड्रेड ऐसे ऐसे बनाए जाते थे, इन रॉड में ये गोटियाँ होती थी, ठीक है, गोटियाँ होती थी, इन्हीं गोटियों के थ्री हम प्लस माइनस और वो ये सारी चीज़ें निकालते थे, ठीक है। तो ये था एबकस जो कि कहाँ कब आया था, 16वीं सेंचुरी में आया था, ठीक है। अच्छा अब आता है क्या भैया, इसका नाम है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या होता था, नेपियर बोन्स भैया 1617 में आया था, ठीक है। और ये मतलब जानवरों की हड्डियों से बना होता था, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब जानवरों की हड्डियाँ होती थी, ठीक है, ये सब क्या होती थी, ये सब जानवरों की हड्डियाँ होती थी, उन जानवरों की हड्डियों से बना होता था और आयताकार पट्टियाँ होती थी, 10 आयताकार पट्टियों में 0 से 9 तक पहाड़े लिखे होते थे। इसमें क्या होता है, 0 से 9 तक क्या कर रहे होते थे, पहाड़े लिखे होते। ये जो हड्डियाँ दिख रही हैं इमेज तो मुझे नहीं लगता आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, तो उसमें जो 10 0 से लेकर 9 तक के पहाड़े लिखे होते थे
और दूसरी पट्टी में इकाई के अंक पास आ जाते थे। अब जैसे कि यहाँ पे हम नौ पहाड़ देखें, इकाई के अंक पास आ जाते थे, जिससे क्या होता था, गुणा करना बहुत आसान होता था। हम आसानी से गुणा करके बता सकते थे 13, 9, 153 ऐसे वगैरह करके, मतलब सॉरी मैंने गलत पढ़ा, वो ऐसा कर ले जाते थे, ठीक है। और देखो गणनात्मक प्रणाम और ग्राफिकली हम इसको दिखा भी सकते थे, ठीक है। तो नेपियर कौन थे जिसको खोजा था, किसने, जॉन नेपियर ने, जो कहाँ के थे भैया जॉन नेपियर, जॉन नेपियर थे भैया स्कॉटलैंड के, कहाँ के थे, स्कॉटलैंड ही थे, कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के, ठीक है, जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के थे। इस कैलकुलेटिंग और ये बेसिकली मल्टीपल और डिवाइड के लिए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। अब भैया ये बड़े काम की चीज़ है भैया, ये बड़े काम की चीज़ है, इसका नाम है पास्कलाइन, जो कि हाँ इसके पहले एक स्लाइड रूल आया था, तो शायद देखो आगे होगा, नहीं स्लाइड रूल आया था, वो कंप्यूटर की स्टडी में नहीं आ रहा था, वो एक दूसरा डिवाइस था, उस पर नहीं डिस्कस करेंगे। हाँ स्लाइड रूल की अगर बात करें तो भैया स्लाइड रूल 1620 में आया था, ठीक है। तो ये पास्कलाइन जो थे, पास्कलाइन ये ब्लेज पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पास्कलाइन इंजन बनाया था, ठीक है। पास्कलाइन था ये एक मैकेनिकल, यानी कि फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, ठीक है। मैकेनिकली किसी चीज़ को क्या करती थी, ऐड करती थी। और ये घड़ी के, मतलब घड़ी की थ्योरी, जैसे घड़ी हमारी चलती है उसी थ्योरी पर ये भी क्या करती थी, काम करती थी। इस मशीन में कई सारे चक्र लगे होते थे, ये देख रहे हैं ना, ये सारे चक्र हैं, चक्र लगे होते थे। और पुराने टेलीफोन की तरह इसको घुमाया जाता था, जो डायलर वाला फोन है तो इसको घुमा के बटन दबा करो, तो वैसे इसको भी क्या किया जाता था, घुमाया जाता था, जिसपे 9 से लेके 10 तक की डिजिट्स क्या होती थी, लिखी होती थी। अब इनको घुमाते थे, देखो भैया इनको जब घुमाते थे, यहाँ से घुमाए यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे घुमाए इसको 7, 8, ऐसे ऐसे कर लेते थे, उसको घुमा के फिर जोड़ लेते थे, तो क्या होता था कि हमारा आंसर आगे आ जाता था। और क्या होता था कि इसमें केवल इसको जोड़ और घटा सकते थे, इसका जो वो था, ठीक है। तो ये जो ब्लेज पास्कल थे, ठीक है, वो कहाँ के थे, फ्रांस के थे, कहाँ के थे भैया, फ्रांस के थे। और ये वुडन बॉक्स था, पूरी तरह से एक लकड़ी का बॉक्स था, और ये रोटेट होता था अपने आसपास के बिल्डिंग की तरह, जो मैंने बताया, जैसे पुराने जमाने वाले मूवीज में आप देखे होंगे वैसे होते थे। अच्छा उसके बाद क्या आया भैया, ये बड़े काम की चीज़ थी भैया, लैबनीज मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है। लैबनीज मैकेनिकल कैलकुलेटर जो था, ये इन बनाए थे ग्रेटफुल्ड वॉन लैबनीज, जो कि जर्मनी के थे, ग्रेटफ्रेंड विलियम लवॉन लैबनीज, ठीक है। अच्छा सॉरी मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक में पूरी गलती कर दी है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस मशीन से लैबनीज की रिकॉर्डिंग मशीन भी कहा जाता है, ठीक है। यह मशीन जोड़ घटाव के साथ साथ गुणा भाग करने के लिए भी परफेक्ट थी, ठीक है। इस मशीन से जोड़ घटाना गुणा भाग भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सबको देखना है, इसको घुमा घुमा के, इसको घुमा घुमा के ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जोड़ घटाना ही कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद आया भैया जैकार्ड डूम्स, ठीक है, जो जैकार्ड डूम था। उसके बाद आया कि जोसेफ मैरी जैकार्ड, जो कि फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, ठीक है, यही क्या कहते हैं, इसको डेवलप किए थे, ठीक है। अच्छा इसके जो लक्षण है, यह एक ना भैया कपड़े बुनाई की मशीन, ठीक है, जैकार्ड लूम जो था एक कपड़े बुनाई की मशीन थी, जिसमें बुनाई के साथ डिजाइन डालने के लिए छिद्र हुए कार्डों का उपयोग किया जाता, यानी कि पंच कार्ड जिसको बोलते हैं, उनका यूज़ किया जाता था। पंच कार्ड आप लोगों ने बचपन में लोग खेलते थे, ऐसे ऐसे दबाते थे पंच कार्ड, तो वही है ये पंच कार्ड, वो पंच कार्ड की तरह था। तो इसमें कपड़े जो होते थे उस पर डिजाइन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब उसके बाद आता है भैया, यहाँ से इवेल्यूएशन होती है कंप्यूटर की, ठीक है। तो डिफरेंस इन 1820 से 1822 में आया था ये, चार्ल्स बैबेज जो थे इंग्लैंडी थे, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। इसमें इसके एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है। ये क्या करता, सिंपल कैलकुलेशन को अंजाम देता था, छोटे मोटे गणती गणनाओं को क्या करता था, अंजाम देता था, छोटे मोटे कांडों को ये करता था। और ये बेसिकली अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है। अब इसमें होता क्या था कि कई सारे टेबल्स होते थे जिनमें नंबर्स को डालते थे, नंबर डाल के इसको भी क्या करना पड़ता था, घुमाना पड़ता था, ठीक है। और शाफ्ट था, गियर इसमें लगे होते थे, उसमें ना वो हाथ से, इसमें शाफ्ट और गियर लगे होते थे, जिसके थ्रू यह मशीन, ये मशीन लैंग्वेज से चलती थी, इससे कोई इंसान नहीं चला था, ये मशीन लैंग्वेज से चलती थी। और इस मशीन की सहायता से ना अल्जेब्रिकल यानी कि बीजगणितीय फलन पूरे किए जाते थे, जिससे, अच्छा बीजगणितीय फलन में क्या है कि यहाँ पे 0 से लेके -1 तक के डिजिट की क्या किए जाते थे हम लोग, उसके माइनस यानी कि 0.020 की से छोटी भी गणनाओं को हम इसमें कर सकते थे, ठीक है। अच्छा इसका उपयोग, इसका यूज़ कहाँ होता था भाई, अच्छा कहीं कहीं पूछ देता था डिफरेंस इंजन का यूज़ कहाँ कहाँ हुआ है, ठीक है। ट्रिपल सी के एग्जाम देने अगर जाएंगे, अगर पूछ लेगा डिफरेंस इंजन कब आया तो आप बता देंगे, किसने बनाया ये भी बता देंगे, इसका यूज़ कहाँ किया जाता था। जो डिफरेंस इंजन था इसका यूज़ डाक में किया जाता था, रेलवे विभागों में किया जाता था, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 1856 में इंडिया में, तो भैया इंडिया में डिफरेंस इंजन का
यूज नहीं किया जाता था, ठीक है, लेकिन अन्य कंट्रियों में, विदेशों में इसका यूज रेलवे वगैरह में किया जाता था, ठीक है, बीमा पॉलिसी वगैरह में इसका यूज किया जाता था, ठीक है। चलते हैं आगे। चार्ल्स बैबेज ने ठीक 10 साल बाद 1830 में और 1833 के बीच में एक एनालिटिकल इंजन बनाया, ठीक है। एनालिटिकल इंजन जो बनाया भैया, ये बहुत बड़ा आविष्कार था, ठीक है। इसमें 5 मुख्य भाग थे, इनपुट, इकाई, स्टोर, मिल, कंट्रोल, आउटपुट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है तो मिल उसको कंट्रोल बोल सकते हैं, आउटपुट ये होता था। इसका मतलब जो यूज़ होता था सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए इसका यूज़ बेसिकली होता था, और ये एक मैकेनिकल मशीन थी, ठीक है। तो इसी मशीन को, जो एनालिटिकल इंजन है, इसी मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों की शुरुआती प्रारूप माना जाता है। जो आजकल के कंप्यूटर हैं, इसी मशीन के थ्रू वो लोग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे। अब आती है भैया हमारे बाद इसका कुछ, देखो पंचकार्ड से इनपुट करते थे, कैपलिंग, सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है। और हाँ, इसकी एक और खासियत थी, ये किसी चीज़ को परमानेंट मेमोरी में स्टोर करती, जो कि पहली बार था कि कोई ऐसी मशीन है जो डेटा को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है, इसमें पंचकार्ड के थ्रू वो क्या करते थे, स्टोर करते थे, वो छप जाता था उस पर, ठीक है। अब आता है भैया हमारे पास टैबलेटिंग मशीन। टैबलेटिंग मशीन जो है भैया, ये हर्मन होलरिथ अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1889 से 1890 के बीच में बनाया, ठीक है। इसे संख्या के मतलब पंच, इसमें भी पढ़ने के लिए ना पंचकार्ड का यूज़ किया जाता था, ठीक है। और 1896 में हेलरिन और टेबलेटिंग जो मशीन बनाई थी इन्होंने भैया, ये मतलब कि इंटरनेशनल IBM इसी से निकला हुआ है। जो IBM है, IBM जो आजकल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, उसका ये पहला प्रारूप था भाई। कसम से दिल खुश हो गया, मजा आ गया इसको देख के। टैबलेटिंग मशीन ही है जो IBM को इतना ऊपर ले गई है भाई, 1, 2, 3, 4 इतनी स्टेप ऊपर ले गई, वो इसी छोटी सी मशीन है जिसको आप देख रहे हैं। इसको हल्के में ना लीजिए, बड़े कांडे की चीज़ है भाई। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, 1924 में इसका नाम चेंज किया गया, ठीक है। तो अगर पूछे IBM से, एक बार क्वेश्चन में आया था कि IBM का पुराना नाम, IBM नाम कब आया, आप बता देना 1924 में इसका नाम, इसी मशीन टैबलेटिंग मशीन का नाम बदल के IBM रख दिया गया, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। इसका उपयोग क्या, इसमें जनगणना होती थी ना, जनगणना के लिए किया जाता था, ठीक है। तो जो जनगणना हुई थी वो कब से स्टार्ट हुई थी ये तो मुझे नहीं याद है, लेकिन मुझे लगता है आई थिंक 1792 या 1782 या ऐसे ही स्टार्ट हुई होगी, तो तब से हुआ, ठीक है। और ये हर्मन होलरिथ जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने बनाया था, हर्मन होलरिथ 1889 में, और ये पंचकार्ड पे भेज दी, और ये डेटा को सॉर्ट करने के लिए, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मैंने बताया ना जनगणना के लिए, तो रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए बेसिकली ये बनाई गई थी। उसके बाद आता है भैया हमारे पास मार्क वन, जो कि 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया था। ये हावर्ड आइकन द्वारा बनाया गया था, जो कि अमेरिकन थे, हावर्ड आइकन जो थे वो अमेरिकन थे, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें मतलब ये फुल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल में छोटे छोटे गियर्स लगे होते थे और काउंटर लगे होते थे, स्विच और कंट्रोल सर्किट्स होते थे, ठीक है। और डेटा को मैनुअली इंटर किया जाता था, इसमें डेटा को जो है वो मैनुअली इंटर किया जाता था, ठीक है। भंडारण के लिए मैग्नेटिक ड्रम, तो जो देखो अच्छा, कभी कभी आप लोग देखे होंगे, अगर भैया आप लोग की डेट ऑफ बर्थ 2004-05 के बाद, मतलब अगर आप जानने लायक हों, तो पहले टेप आते थे बड़े बड़े, उसमें इतनी बड़ी कैसेट चलती थी, उस कैसेट होती थी जैसे उसमें रील लगी होती थी, उस पर एक पतली सी पट्टी होती थी, वही पट्टी आती जाती थी, पट्टी रही, इधर से पट्टी घूमती थी, काले रंग की पट्टी थी, ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक ड्रम हुआ करता था, जिसमें क्या होता था, डेटा स्टोर होता था। अगले आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मैग्नेटिक ड्रम क्या होता था, ठीक है। तो यहां तक था। तो यहां के बाद जो कंप्यूटर आए उसे प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, इस सब में क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। अच्छा, इसका प्रयोग गणना करने में किया जाता था और बिग डेटा एनालाइजर था। ये जो हमने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा था ना, ये टैबलेटिंग मशीन, इस ये मतलब इसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो इसी को पूरा किया मार्क वन ने आके, ठीक है। मार्क वन जब आया ना, तो ये बिग डेटा आया कि बहुत बड़े डेटा को ये एनालाइज करता था, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, यानी कि इस पूरे वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया है, तो भाई वीडियो को प्लीज लाइक मारो यार, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब मारो यार। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी ही 2-3 दिन में अगली वीडियो भी आ जाएगी। थैंक यू।